अब की बार किसानों के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि बालियां जल्दी निकलना और बालियां निकलने के बाद में भी गेहूं में पत्तियों में पीलापन आना है। इस पत्ते में हम देख रहे हैं आधा पत्ता आपका पीला है। पौधे में कोई भी बीमारी होगी ना, सबसे पहले वो बाली देगा। देखो ये देखो, ये मेरे खेत में तो नहीं है, काफी ढूंढने के बाद में एक पेड़ मिला है। कई किसान भाइयों के मेरे पास में पर्सनली कॉल भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे फोटो शेयर भी किए और काफी रिक्वेस्ट किए कि सर जी इस पर एक वीडियो बनाइए और प्रैक्टिकली इसमें जानकारी दीजिए। ये समस्या हमारे गेहूं में काफी ज्यादा आ रही है, हमारी फसल खराब हो रही है, हम हमारी फसल को अब कैसे बचाएं, कैसे इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स दें, क्या इसमें कर सकते हैं जिससे कि हमारी फसल बच जाए और अच्छा उत्पादन हम इससे ले सकें। किसान भाइयों, अभी के टाइम पे गेहूं में सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही है, गेहूं की बालियां भी निकल चुकी है, उसके बाद में भी गेहूं में पीलापन आ रहा है। अगर आपके खेत में भी ये समस्या है तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्या डाल सकते हैं, कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। अनुभवी किसान भाई के पास में मैं आया हुआ हूँ जो करीब करीब 5 साल से लगातार सफल तरीके से खेती करते हैं। इस बार भी आप देख सकते हैं किसान भाई की फसल में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई पीलापन नहीं है, बहुत ही शानदार ग्रोथ है पौधों की। तो इनसे हम इनका जो अनुभव है वो शेयर करने वाले हैं। इस समस्या से निजात आप कैसे पा सकते हैं, इसमें आप क्या डाल सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, कैसे अपनी फसल को आप बचा सकते हैं और ज्यादा उत्पादन आप गेहूं की फसल से ले सकते हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू कर दें। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम लल्लू लाल मीणा जी, जाफदा कला, तहसील कोटखाबदा, जिला जयपुर का निवासी हूं जी। तो सर जी एक समस्या काफी ज्यादा आई है मेरे सामने, किसान भाइयों ने पर्सनली मैसेज भी किए हैं, मेरे पास फोटो भी शेयर किए हैं, और उनका कहना है कि सर उनकी फसल बिल्कुल खराब होती जा रही है, दिन बे दिन खराब होती जा रही है, पीलापन आ रहा है। कई किसान भाइयों की समस्या ये है कि जो पूरा पौधा है वही पीला हो रहा है। देखो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, अब की बार जो मेन समस्या है किसानों की, एक तो मेन समस्या है कि अपने जो गेहूं है उसके अंदर जो ये बालियां निकलती है उसका टाइम होता है 80 से 85 दिन का। उराई करने के बाद में 80 से 85 दिन के अंदर अपने गेहूं की बालियां निकलना चाहिए। अब की बार क्या हुआ कि बालियां जल्दी निकल आई, 60 दिन 65 दिन के अंदर ही बालियां निकल आई। तो ये कारण निकलने का कारण होता है तापमान का हुआ है। अब की बार रात को तेज सर्दी पड़ना और दिन में तापमान का बढ़ जाना, तो जो परिवर्तन है ना तापमान का, उसकी वजह से ये हुआ है। और बालियां जल्दी निकलने का कारण ये है कि जो पौधा होता है अपना वंश को बचाने के लिए, पहले जब भी पौधे में कोई भी बीमारी होगी ना, सबसे पहले वो बाली देगा ताकि वो अपना वंश बचा सके। तो अब की बार तापमान की वजह से जो फसल नुकसान हो रहा है तो उन्होंने पहले ही 60 दिन में अपनी बालियां दे दी, ताकि उसको 80 दिन में देना था। और अब किसान भाइयों में जो बीमारी अब देखने को मिल रही है, देखो ये मेरे खेत में तो नहीं है, काफी ढूंढने के बाद में एक पेड़ मिला है, बाकी मैंने विजिट किया है काफी खेतों में औरों के में, तो अधिकतर किसान भाइयों को ये बड़ी समस्या आपकी बार देखने को मिल रही है। ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं। हाँ ये पीले पत्ते पड़ रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या किसानों के, इसका मैं समाधान आपको बताऊंगा। मेरे खेत में तो है नहीं, ये पेड़ मिला मेरे को, तो किसान भाइयों को मैं ये बताऊंगा कि आपके खेत में भी इस तरीके से पीलापन होगा, और कई कई किसान भाइयों का पूरा जो ये ट्रन लाइन है जो अपने पौधों को पोषण तत्व इसी लाइन से मिलता है, प्रकाश के द्वारा दो न्यूट्रिएंट्स है वो ये पत्ता उपलब्ध करवाता है, ये करवाता है पौधे को जो भी चीज की जरूरत है, और यही पीलापन पड़ गया, इसी पे रोग लग गया तो पौधा कुपोषित हो जाएगा। सर जी ये खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक समस्या किसान भाई की सबसे ज्यादा जो देखी गई है, इस पत्ते में हम देख रहे हैं आधा पत्ता आपका पीला है। कई किसान भाई की समस्या क्या है कि पूरा पत्ता ही पीला है, कई किसान भाई क्या समस्या है कि पूरा पेड़ ही उनका पीला हो गया। तो सबसे पहले जो आधा पत्ता पीला हुआ इसका कारण बताएं। हाँ मैं बता रहा हूँ, पूरा शेड्यूल बाय शेड्यूल बताऊंगा। कई किसान भाइयों के आधा है, कई के पूरा है, और कई के पूरा पेड़ ही है। तो पेड़ जो है ना पीलापन वह है जो पछतरी खेती है ना उसमें है, और अभी जो वर्तमान में हो रहा है वो किसानों के आधा पत्ता और पूरा पत्ता हो रहा है, पीला हो रहा है, है ना। तो मैंने तो ये न्यूट्रिएंट की कमी है, किसी पौधे को पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, ये तो तापमान का
और अपन सुधार कैसे कर सकते हैं इसको जी, जी। तो अपने इसमें न्यूट्रन देख के अपन इसको फसल को अपन बचा सकते हैं। तो सर जी सबसे पहले ये बताएंगे, जैसे मान लो ये समस्या तो अपने हो गई तापमान की वजह से, मान लो किसी भी प्रकार से मान लो, लेकिन समस्या अपनी फसल में हो चुकी है बिल्कुल, लेकिन अब अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं? तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके खेत में इस तरीके से अगर देखना आप खेत के अंदर जाकर इस तरीके से अगर आप खेत में बीमारी लग चुकी है और पत्ता पूरा ही अगर पीला हो गया है तो उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और पोटास देना है जी, तीन देना है। अगर आपका पत्ता आधा है तो उसके अंदर आपको पोटास देना है, पोटास देना है, पोटास देना है। अब देने का तरीका किसान भाइयों को बता देता हूँ, सस्ता और आसान। अगर आपका पत्ता पूरा पीला है और पौधा में ग्रोथ बालियां कम कर पा रही है तो उसके अंदर आपको नाइट्रोजन में तो यूरिया और फास्फोरस में अपने जिंक जी है ना और पोटास, तीनों की बिजाई कर सकते हैं, दानेदार की बिजाई कर सकते हैं, दानेदार की। अगर कोई किसान भाई अगर स्प्रे कर सकता है तो स्प्रे करने वाले किसान भाइयों के लिए सस्ता जुगाड़ है एनपीके 19:19 का, उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास तीनों चीजें उसको मिल जाएगी जी, उसका अपन स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर पत्ता पूरा पीला हो गया तो, अगर आधा पत्ता पीला है तो अपन उसमें पोटास दे के छिड़काव करके पोटास दे दो आप या और एमओपी का या फिर एनपीके 0050 का उसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। इन दोनों विधियों से पौधे का पत्ती का पूरा पीलापन उस पर आप अंकुश लगा लेंगे, आधा है उस पर आप पोटास देकर भी आप उसको खत्म कर सकते हैं। दो विधि है दोनों के लिए, किसान भाइयों को 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मेरा खेत है इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, मेरे को पहले ही पता लग गया था कि अब ये बार ये है तो मैंने इसके अंदर स्प्रे कर दिया था, तो सर जी कई किसान भाई पूरा पौधा ही पीला हो चुका, वो क्या करें? अगर उसको पूरा पता उसमें ये तीनों आइटम दे दो उसमें, तो स्प्रे कर दो नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक है ना और पोटास का, अच्छा वो डाल दो उसके अंदर, वो बिजाई कर सकते हैं दानेदार लेकर के, हाँ वो बिजाई कर सकते हैं, आपका वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सर जी अब किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि यार ये चीजें हम डाल तो देंगे लेकिन मात्रा क्या रखें, एकड़ की मात्रा बता दें आप। स्प्रे में बताऊं मैं आपको, सबसे पहले स्प्रे में बता दें, स्प्रे में आपको एक एकड़ के अंदर 1 लीटर चाहिए होगा आपको एनपीके 1 लीटर 0050 0050 से अगर 0050 तो भी 1 लीटर चाहिए होगा और 19:19 चाहिए आपको एनपीके वो भी 1 लीटर, वो भी 1 लीटर आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, एक एकड़ में काफी है। लेकिन 15 लीटर की टंकी की क्या डोज रहेगी, उसमें कितने एमएल डाल सकते हैं किसान भाई? 100 से लेके 120 पर टंकी की, पर टंकी, टंकी किसी किसान भाई की छोटी बड़ी भी हो सकती है, 15 लीटर की टंकी में आप 100 से लेके 120 तक 120 तक एमएल डाल सकते हैं, एमएल डाल सकते हैं उसमें और अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। तो 1 लीटर की 8 टंकियां बन जाएंगी आपकी और 1 एकड़ में आपका स्प्रे हो जाएगा। लेकिन सर जी किसान भाई स्प्रे ना करके अगर दानेदार की बिजाई करना चाहे तो वो किस मात्रा में ले सकते हैं? मैं किसान भाइयों को बताऊंगा, अगर 1 एकड़ जमीन है उसके अंदर आप 1 बैग यूरिया का 45 किलो का जी और 1 बैग अपने पोटास का एमओपी का आता है, एमओपी का है ना और इसमें आईपीएल में वगैरह मिल जाता है बढ़िया वाला, और एक आता है अपने को जिंक लेना है जी, जिंक सल्फर, वो कितना लेना है जिंक अपने को? 10 किलो बहुत है, 10 किलो बहुत है, 1 एकड़ में 1 एकड़ जी। आप उसकी बिजाई भी कर सकते हैं। पानी आपने चाहे 2 चला दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिजाई करें और पानी चला सकते हैं, पानी चला सकते हैं। सर जी कई किसान भाइयों को कंफ्यूजन शायद ये भी हो सकता है कि यार हमने ज्यादा पानी चला दिया इस वजह से तो पीलापन नहीं आ गया? नहीं, ये पानी की वजह से नहीं है, ये बस ओनली तापमान की वजह से मेन कारण, जो अब की बार किसानों के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि बालियां जल्दी निकलना और बालियां निकलने के बाद में भी गेहूं में पत्तियों में पीलापन आना, ये बड़ी समस्या है। मगर किसान भाई चिंतित नहीं हो, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, मुनाफा मिलेगा और आपको इसको डोज देनी पड़ेगी। बीमारी से निजात कैसे पा सकते हैं आपने किसान भाइयों को बता दिया, लेकिन ज्यादा उत्पादन के लिए किसान भाइयों अगर बालियां निकल चुकी तो क्या कर सकते हैं? देखो किसान भाइयों की बालियां निकल चुकी है, फसल में किसी प्रकार का रोग नहीं है उन किसान भाइयों के लिए जी, वो अगर बालियां निकल चुकी है तो उसमें मेरे कहने से उसमें अगर दाना मोटा और चमकदार और वजनदार बनाना है तो आप उसमें एनपीके 0050 का उसमें आप स्प्रे कर दीजिए, उससे आपके पौधे का चमक
दाने की चमक, दाने का वजन, दानों की साइज समान तंत्र रहेगी, उत्पादन भी आपका बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा 100%। तो सर जी आप काफी समय से सफल तरीके से गेहूं की खेती करते हैं, हर साल अच्छा खासा उत्पादन इसी लेते हैं, अगर आपका उत्पादन थोड़ा मैं जानना चाहूँ, एक एकड़ से कितने क्विंटल आप अनाज ले लेते हैं? मेरी जो फसल लगा रखी इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगा है, और मैं हर बार एक एकड़ के अंदर 30 से लेकर 32 क्विंटल तक की मैं उत्पादन कर लेता हूँ, ले लेते हैं आप। और उसमें से भूसा जो निकलता है वो अलग बात, वो अलग है जी। तो सर जी कोई विशेष चीज आप किसान भाइयों को अपनी तरफ से अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं वीडियो के अंदर? नहीं, किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई देखो ये तो प्रकृति का खेल है, तापमान का बिगड़ना, बीमारियां लगना, ये सब कुछ ना, पर अपने खेती के प्रति अपने खुद को समर्पित होना पड़ेगा, जैसे अपन अपने बच्चे के प्रति रहते हैं ना, कौन सा बीमारी हो गई क्या करना है, यही इस तरीके से अपने उत्पादन सही लेना है, उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा पौधे में कि क्या बीमारी लग गई है और समय पर इसको क्या डोज देनी चाहिए। डोज मैंने आपको बता दिया, इसमें जो बीमारी है वो मुख्य रूप से दो तरह की है, उसमें ये इलाज कीजिए आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।